हरियाणा विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी खूब ऐसे भाषण दे रहे हैं जो काफी चर्चाओं में आ रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में मौलवी के एक ऐसे किस्से का जिक्र किया है जो खूब सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो जब जम्मू कश्मीर गए थे तो उन्हें एक मौलवी द्वारा राम राम कहकर अभिवादन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि वो मौलवी से राम राम सुनकर काफी हतप्रभ थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का प्रभाव है। हरियाणा के फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हाल ही में किए गए कश्मीर दौरे को याद किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार के लिए सप्ताह के दो दिनों के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू में बारिश हो रही थी और मैं हवाई अड्डे के अंदर गया। मैंने एक आदमी को साहब राम राम कहते सुना। सीएम योगी ने आगे बताया कि उस व्यक्ति ने फिर से योगी साहब राम राम दोहराया जिसने मेरा ध्यान काफी खींचा। सीएम योगी ने कहा कि फिर पता चला कि जो मुझे राम राम कह रहा था वो तो मौलवी था। मैं मौलवी से राम राम सुनकर हैरान रह गया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि ये देखकर मुझे लगा कि ये सब अनुच्छेद 370 खत्म होने का प्रभाव है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इसी के साथ मोदी सरकार ने 35A को भी खत्म किया था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देते थे और हमेशा विवादित रहे थे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति जनसंघ का एजेंडा भी था जिसे भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया था। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। खैर दोस्तों, हरियाणा और जम्मू के चुनाव में उनका यह प्रचार इस बार बीजेपी को बढ़त दिलाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश की तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। मैं कल और परसों दो दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है।